Assalamualaikum everyone, welcome to Rizvi Kitchen. कैसे हैं आप सब? This is me Farheen and today as you can see the lovely weather, so I have decided to share some chatpati and amazing recipe. Yes, I am going to share palak chicken recipe, बहुत ही simple and amazing. But before that, if you didn't subscribe my channel yet, just subscribe for more amazing recipes. And you can also follow me on Facebook and Instagram. Links are given in description box. So let's get started. सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून. एंड नाउ इसमें ऐड करेंगे 2 बे लीव्स, सिनेमन स्टिक, ग्रीन कार्डमम लाइक छोटी इलायची एंड 4 से 5 लौंग. सौते फॉर अ वाइल एंड इसके बाद ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज स्लाइस्ड अनियंस. सो अनियन को भी अच्छे से हम सौते करेंगे और हमें इसे ब्राउन कर लेना है. सो वेदर के हिसाब से बहुत ही अमेजिंग एंड चटपटी सी रेसिपी है ये. तो अनियन को हमें ब्राउन करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि अच्छे से ये ब्राउन हो जाए. नाउ ऐड करेंगे इसमें अराउंड 750 ग्राम चिकन, बोनलेस चिकन भी आप यूज़ कर सकते हैं. एंड बेस्ट पार्ट फॉर दिस रेसिपी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कोई चिकन में मैरिनेशन नहीं चाहिए. आप डायरेक्ट चिकन को अच्छे से ब्राउन अनियन के साथ ब्राउन करके ये रेसिपी आगे बना सकते हैं. सो कोई मैरिनेशन नहीं करना बेसिकली. सो चिकन को हमें इसमें अच्छे से ब्राउन कर लेना है. देखें चिकन ब्राउन हो चुका है, हाई फ्लेम पर ही करेंगे सो दैट जो पानी चिकन छोड़ेगा वो अच्छे से जल जाए. एंड नाउ ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा पानी इसी में ऐड कर देंगे सो दैट ये जले ना, और इसके साथ भी हमें इसे अच्छे से भून लेना है. सेम प्रोसेस में आप जैसे मटन में भी बनता है पालक, जिसे हम साग गोश्त भी बोलते हैं, आप सेम प्रोसेस में बना सकते हैं, बट उसमें मटन को हमें थोड़ा सा पहले कुक कर लेना है. देखें सो जिंजर गार्लिक के साथ भी अच्छे से चिकन भुन गया. नाउ ऐड कर रही हूँ मैं अनियन पेस्ट, तकरीबन मैंने 2 मीडियम साइज अनियन का पेस्ट बनाया था यहाँ पर, वो भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे. सो अभी फ्लेम मैंने हाई ही रखी है सो दैट जितने भी मैं मसाले ऐड कर रही हूँ वो अच्छे से कुक हो जाए. देखिए तो अनियन भी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, मिक्स हो गई है. एंड इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मसाले, जिसमें 2 टीस्पून मैंने लिया कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक, कश्मीरी रेड चिली एंड 1.5 टीस्पून लिया है गरम मसाला एंड ज़ीरा पाउडर और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट. इंग्रेडिएंट्स मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं. सो इन ड्राई मसालों के साथ भी हम चिकन को अच्छे से भून लेंगे. जनरली पालक किड्स नहीं खाते हैं, पसंद नहीं करते, बट चिकन सारे ही बच्चों को पसंद होता है, तो इससे आप अगर बच्चों को खिलाएंगे पालक चिकन तो डेफिनेटली दे गोना लव दिस. सो हेल्दी भी है और डेलिशियस तो है ही. सो देखें मसाले अभी अच्छे से हमारा भुन चुका है. एंड नाउ हम ऐड करेंगे इसमें पालक, अराउंड 4 बंचेज ऑफ स्पिनच लिया मैंने, जिसे अच्छे से वॉश किया, कट किया, तो इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, अदरवाइज फिर स्पेस नहीं रहेगा. ये थोड़ा जब सॉफ्ट हो जाएगी तो अपने आप पैन में स्पेस हो जाएगा. देखें सो क्योंकि चिकन के साथ बना रहे हैं तो हम साथ में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि चिकन ज़्यादा टाइम नहीं लेता कुक होने में, पालक के साथ ही अच्छे से कुक हो जाएगा. बट अगर आप इसे मटन या बीफ के साथ बनाएंगे तो मटन और बीफ को आप पहले थोड़ा सा अराउंड 75% कुक कर लेंगे, उसके बाद आप पालक ऐड करेंगे. सो देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर मैंने पालक ऐड कर दी.
बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आप अगर देखें सिंपल से इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए जो हमारे घर के किचन में ही अवेलेबल रहते, कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, कोई मैरिनेशन नहीं चाहिए, किसी भी टाइम पे आप ये रेसिपी बना सकते हो। सो देखें अच्छे से पालक ऐड हो गई है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम अभी मैंने हाई ही रखी है क्योंकि पालक भी अभी पानी छोड़ेगी। देखिए इस तरह से पूरा हम मिक्स कर देंगे। देखिए सो पालक अच्छे से मिक्स हो गई है। नाउ इसे हम कवर करके कुक करेंगे जब तक कि पालक अच्छे से कुक ना हो जाए। देखें एक बार इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको अलग से इसमें पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पालक ऑलरेडी बहुत सारा पानी रिलीज करती है। देखिए मैंने फिर से 10 मिनट इसे बंद करके रखा था और अब पालक अच्छे से कुक हो चुकी है, पानी भी अच्छा खासा जो है वो सूख गया है। सो बस इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। चिकन भी हमारा कुक हो चुका है एंड नाउ ऐड कर देंगे अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज एज पर योर टेस्ट, आपको जितना भी डालनी है, एंड हाफ कप अराउंड कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो फ्रेश जो मेथी लीव्स होती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट, हमें इसे और अच्छे से थोड़ा सा भून लेना है ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, सरफेस पे आ जाए और पालक चिकन हमारा रेडी हो गया है। सो ट्राई करें ये अमेजिंग एंड बहुत ही चटपटी एंड सिंपल सी रेसिपी, एंड ऑल्सो कॉमेंट कि ये पालक चिकन रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।